जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC का जो झारखंड SSC PGT टीचर 2022 वैकेंसी डिटेल, इसमें टोटल 3120 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जैसे इसमें अप्लीकेशन तो 8/9/2022 से अप्लीकेशन को भरा जाएगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई, तो लास्ट डेट अप्लाई है 7/10/2022 को, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट डेट पे एग्जामिनेशन फीस 9/10/2022। उसके बाद फ़ोटो और साइन 11/10/2022 तक क्या करना है, अब अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद करेक्शन डेट भी इसमें दिया गया है, इस फॉर्म में 13/10/2022 से 15/10/2022 के बीच में आप अगर आपका फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो आप इसका क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड अवेलेबल ये भी नहीं क्लियर हुआ। अप्लीकेशन फ़ीस को हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो जनरल OBC EWS का कितना है 100 रुपये है, SC ST का कितना है 50 रुपये है, ठीक है। उसके बाद फिर JSSC झारखंड PGT टीचर PGT TTCE 2022 एज लिमिट, तो एज लिमिट इसमें किया गया है 1/1/2022, यानी मिनिमम एज कितना होना चाहिए आपका 21 साल, ठीक है, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए 40 साल, यानी 21 से 40 के बीच में। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है लेकिन केवल झारखंड के निवासियों के लिए, जो वहाँ के मूल रूप से निवासी हैं। उसके बाद इसमें पोस्ट है, तो पोस्ट देख लेते हैं। JSSC PGT पोस्ट जो PGT टीचर रेगुलर पोस्ट है 4682, ठीक है। उसके बाद PGT टीचर बैकलॉग का 496 है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट BEd एग्ज़ाम पास, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए विद BEd एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी एलिजिबिलिटी है इसमें दिया गया है, जो नोटिफिकेशन जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें दिया गया है। उसके बाद इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जैसे झारखंड कर्मचारी आयोग, तो ये है विज्ञापन संख्या नियमित एवं बैकलॉग भर्ती के लिए आवश्यक सूचना दिनांक 24/8/2022 को क्या हुआ था प्रसारित की गई थी। इसमें ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की विधि जो दिया गया है ये दिया गया है 8/9/2022 से 7/10/2022 के बीच में। परीक्षा शुल्क भुगतान का दिनांक भी दिया है मध्य रात्रि तक, यानी 9/10/2022। फोटो अपलोड हस्ताक्षर अंतिम तिथि 11/10/2022। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि 13/10 से लेकर 15/10 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं रिक्तियों का विवरण, तो रिक्तियों का स्नातक प्रशिक्षक संस्कृत के लिए इसमें ये दिया गया है। उसके बाद फिर टोटल संख्या पदों की संख्या, स्नातक शिक्षक रसायन शास्त्र का अलग दिया गया है, भौतिक शास्त्र है यानी फिजिक्स है, शिक्षक गणित मैथ के लिए है, उसके बाद शिक्षक वाणिज्य के लिए दिया गया है। तो इसमें इन सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं, तो एक बार इस नोटिस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, इसमें जो होगा क्या कहते हैं कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधिसूचना विभाग के अनुरोध के अवलोकन में संशोधित की जा सकती है, मतलब रिक्तियों को क्या कह सकते हैं बढ़ाया घटाया जा सकता है। अनुसूचित जाति के लिए विज्ञापित रिक्त में 2% रिक्तियाँ अंतिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी, ठीक है। उसके बाद है अधिमान्य जनजाति के योग्य उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्तियाँ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। आदिम जनजाति कोड का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विधि 1 और 3 पर आधारित विविध प्रपत्र प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन की पृष्टि कर उनको भरना होगा, ठीक है। झारखंड विद्यालय विद्यालय शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2022 संशोधित नियमावली 2022 नियम 3 में उल्लिखित पदों को चिन्हित रिक्तियों से 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालय के निर्धारित अर्हता पर 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा 75% पद सीधे नियुक्त से भरे जाएंगे, ठीक है। परंतु यदि किसी सरकारी माध्यम विद्यालय के निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हित आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक प्राप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाते तो ऐसी स्थिति में आरक्षित पदों के विज्ञापन अनुसार व्यवहार से सीधी नियुक्ति का हित कार्रवाई की जाएगी, मतलब सीधी भर्ती ले जाए। तो ये रहा इनके बारे में पूरा विवरण, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये इनका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो ये भी आपको छोटे से वीडियो के माध्यम में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।